ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। लॉकडाउन 5 में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का सरकार ने किया फैसला। धार्मिक स्थलों के सैनिटाइज का काम हुआ शुरू। देश भर में कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसका असर धार्मिक स्थलों पर भी देखा गया। सरकार ने देश भर के धार्मिक स्थलों को भी बंद करवा दिया था, जिससे कि लोग इकट्ठे होकर पूजा पाठ न कर सके। ये लॉकडाउन अब तक 4 चरणों में पूरा हुआ और अब लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है, जिसमें सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला लिया है, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। बात करें अगर सहारनपुर की, तो यहाँ भी अब तक सभी धार्मिक स्थल बंद थे। यहाँ तक कि इस बार ईद भी लोगों ने घरों में ही रहकर मनाया। घरों में नमाज पढ़ी गई और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बनाकर ईद को मनाया। सरकार द्वारा 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। सभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा व चर्च सहित अन्य धार्मिक स्थलों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि लोग मंदिरों में मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस सी लाइन बनाकर ही पूजा करने आए। मंदिर के अंदर एक बार में 2 या 3 से अधिक लोग न जाए। मंदिर में जाने से पहले अपने आप को सैनिटाइज करें। यहाँ वहाँ किसी भी चीज को न छुएं और घर पहुँचकर पुनः अपने आप को सैनिटाइज करें, जिससे कि संक्रमित होने का कोई खतरा न रहे। गुरुद्वारा चर्च में प्रार्थना पूजा करने वालों से कहा गया है कि अपने आप को सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश करें और अंदर सोशल डिस्टेंस बनाकर प्रार्थना पूजा करें। साथ ही किसी भी व्यक्ति से हाथ न मिलाएं, अपना मास्क अपने साथ लेकर जाएं। वहीं मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाने वालों को भी सोशल डिस्टेंस बनाकर नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है और मुंह पर मास्क लगाने की भी हिदायत दी गई है। नमाज पढ़ने के बाद कोई भी आपस में एक दूसरे से गले न मिले और घर जाकर अपने आप को सैनिटाइज करें। वहीं सभी धार्मिक स्थलों की प्रबंधक समिति को कहा गया है कि एक बार पूजा प्रार्थना अथवा नमाज के बाद उस जगह को सैनिटाइज किया जाए और उसके बाद ही दोबारा पूजा प्रार्थना व नमाज पढ़ी जाए। धार्मिक स्थल के प्रबंधकों ने धार्मिक स्थल के बाहर सैनिटाइजर व मास्क की व्यवस्था भी की हुई है, जिससे कि यदि कोई व्यक्ति मास्क लगाकर नहीं आता है तो उसी मास्क की व्यवस्था कराई जाए। ये जो गाइडलाइन जारी की है, सारे धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, इसमें आप क्या कहने चाहिए? इसमें मेरा यही कहना है कि ये एक बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार की तरफ से जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सारे खोलने की बात कही जा रही है। जो भी उसकी गाइडलाइन है उसी के अनुरूप उस पर अमल करना चाहिए और यही एक अच्छी बात है कि सबको इसकी कोई ऐसी वैक्सीन भी नहीं बनी है पूरी दुनिया में, ताकि लोग जो है वो अपने अल्लाह से, खुदा से जो है वो प्रार्थना करें, दुआ करें कि इससे सब लोग स्वस्थ रहें, पूरा देश और पूरा विश्व। तो इसी के लिए हम लोगों से अपील करेंगे कि इसी के रहते हुए जिस तरीके से आज जुमा भी है और फिर आगे 8 तारीख को भी धार्मिक स्थल खोलने के लिए कहा जा रहा है, तो लोगों को उसी भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए, इसी तरीके से साफ सुथराई का ख्याल करते हुए जो है, और ज़्यादा भीड़ न लगाएं धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, तो उसी के पर अमल करना चाहिए। और ऐसे ही लोगों को मास्क पहनना चाहिए, ऐसे ही लोगों को जो है वो पूरी बातों पर अमल करते हुए, उनका ख्याल करते हुए धार्मिक स्थलों में आना चाहिए। तारा सिंह है। तारा सिंह जी, जो सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी हो रही है कि सभी धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि सबको परमात्मा से, वाहेगुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो ये दुनिया के अंदर ये बीमारी पैदा हुई है कोरोना, इसका इलाज कोई नहीं है, इसको वाहेगुरु ही ठीक कर सकता है। वाहेगुरु से हम प्रार्थना करें, अमृत वेले उठें, 4 बजे उठ के प्रार्थना करें, हे परमात्मा सबको अच्छी सेहत दे और इससे बचा के रखे, इस वायरस को खत्म करे, ये परमात्मा के ही हाथ में है। ये जैसे कि एक गाइडलाइन जारी हुई है सभी धार्मिक स्थल 8 तारीख से खुल रहे हैं, सैनिटाइजर करे बिना अंदर प्रवेश नहीं होगा, क्या सैनिटाइजर आवश्यक चीज है जो मंदिर में जा सकती है? नहीं, सैनिटाइजर में जो है अल्कोहल होता है, पर हमारे यहाँ शराब मदिरा का तो स्पर्शी निषेध है इन पूजाओं में, मंदिर आदि में, तीर्थ स्थान पे, और पवित्र होकर के जाया जाता है। और ये हम पहले सैनिटाइजर लगाएंगे, सैनिटाइजर में मदिरा होती है, शराब होती है,
उसका हम स्पर्श करके जाएंगे तो वैसे ही हम मंदिर में जाने योग्य नहीं रहेंगे। तो उसके लिए यह है कि हम बाहर गंगा जल रखा जाए मंदिरों के बाहर, साबुन है, राख है हमारे यहाँ, और राख तो ये राख में भी हमनी के राख इत्यादि है, उसका प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। मिट्टी है हमारे यहाँ, तो ये रखे जावे, उनसे हाथ धोकर के अंदर जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। और गंगा जल वही उसके पास में फिर गंगा जल भी रखा हो, उसका गंगा जल स्पर्श करके जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बशर्ते शहर रह जाए। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत।